गौ वालों ने जब माँ और बेटी को जब गंजी कर दिया, तब माँ और बेटी आगे थोड़ा चलते चलते अपने ही परेशानी में जा रही थी, तो पीछे से गाड़ी आकर दोनों को चापते हुए चला गया और इस कारण माँ बेटी मर चुकी। और अब माँ बेटी दोबारा उसी गांव में वापस आ गई है अपने गंजेपन का बदला लेने के लिए सभी गौ वालों से। चलिए अब आगे देखते हैं कहानी का अगला मोड़ क्या होता है। माँ माँ, इन लोगों ने हमें गंजे कर दिया, इसलिए हम दोनों को मरने पड़ा। आप इन लोगों को मत छोड़ना, इन गांव को तबाह कर देना, सबको मार डालना, सबको गंजे कर डालना, सबको गंजे करके घुमाना इस गांव में, हम लोग सब बदला लेंगे। आज तो रात में दावत है, जल्दी से बाजार में जाके एक तेल लेकर आती हूँ, मेरा बाल पूरा चमकेगा, सब मुझे ही देखेंगे और मेरा बालों का तारीफ भी करेंगे। वो देख बेटी, वो आ रही है, याद है हम दोनों जब गंजे हो गए थे वो कितनी हंस रही थी, आज उसको मैं गंजी करूँगी। अब मैं हंसूंगी और तू हंसेगी और वो रोएगी, अभी मजा चकाती हूँ। अरे तुम दोनों माँ बेटी ना, तुम दोनों चुड़ैल बन गए, वो भी गंजी चुड़ैल, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। तुम तो जाओगी लेकिन गंजी होके, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हें गंजी बना देंगे, यही तुम्हारा सजा है। तुम बहुत हंसी थी ना हम पे, अब तुम पर लोग हंसेंगे। अरे मेरा बाल कहाँ गया, मैं तो पूरी गंजी हो गई, अब मैं शादी में कैसे जाऊंगी, सब मुझे देखकर हंसेंगे। देखिए ना जी, सपना और उसकी बेटी दोनों गंजी चुड़ैल बन के घूम रही है और उन दोनों ने मिलके मुझे गंजा कर दिया, अब मेरा क्या होगा। अरे भाग्यवान, तुम अब दावत में कैसे जाओगी, तुम तो बहुत हंसमुख लग रही हो। ऐसे करते करते रोज रोज सपना और उसकी बेटी को जो भी गांव वाला मिलता था उन लोगों को गंजा कर देती थी। एक दिन अचानक उसका पति शहर से गांव वापस आ गया सपना और उसकी बेटी को शहर ले जाने के लिए। अरे मेरी बेटी, मेरी बीवी कहाँ दोनों चली गई, कोई तो मुझे बताओ, मेरा मदद करो, मैं उन दोनों को लेने आया हूँ। आशु तुम जब नहीं थे हम गांव वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तुम्हारी बेटी भूख से खाना चुरा कर खाने लगी थी और इसी जुर्म में हमने तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी को गंजा कर दिया और इसी सदमे में दोनों अपना जान दे बैठे, और इसीलिए वह दोनों रात को चुड़ैल बन के आती है और हम सब गांव वालों को गंजी करके चले जाती है। अब मैं अपना बीवी और बेटी से कैसे मिलूंगा, मुझे उन लोगों से मिलना है, मेरे पास आ जाओ सपना। पापा ये सब जो कुछ हुआ इसमें आपका गलती नहीं है। पापा आप इतना मत रोइए, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। आप कुछ मत करो, बस हम दोनों का नाम से पूजा रखवा दो, हम दोनों का आत्मा को शांति मिल जाएगा।